आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। ये निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। जलवायु में परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। हमारी धरती ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि की वजह से गर्म हो रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है और हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 19वीं शताब्दी से आज तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसका असर भारत जैसे विकासशील देशों में ज्यादा पड़ रहा है। इसे हम अकेले नहीं रोक सकते, ये एक ग्लोबल एफर्ट्स है। पहले की तुलना में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसमें मानवीय गतिविधियों जैसे विकास के लिए जीवाश्म ईंधनों का जलना, वनों की कटाई, वनों में आग का भड़कना और भूमि के उपयोग में बदलाव से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर के परतों का पिघलना, मौसम में असामान्य घटनाएं, वनों का कवर का कम होना, प्रजातियों का लुप्त होना, बाढ़ आना, गर्मी के दिनों में वृद्धि, समुद्री जल स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में नुकसान, अनियमित बारिश और लंबे समय तक सूखा रहने जैसी खबरें आजकल रोज बन रही है। आर्कटिक अंटार्कटिका के बाद हिमालय कई ग्लेशियरों का घर है। ये ग्लेशियर दुनिया में सबसे विशाल बर्फ के पहाड़ है। इन्हें एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप के नदियों के लिए पानी का स्रोत है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर में बर्फ पिघल रही है और कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि जितना इन ग्लेशियरों में बर्फबारी हो रही है, उससे कहीं अधिक पिघल रही है, जिससे कई झीलों का निर्माण व आकार बढ़ रहा है। इससे विनाशकारी बाढ़ों का खतरा बढ़ रहा है, जिसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लोट भी कहते हैं। ये पहाड़ों में बसे पूरे गाँवों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। हम केवल इनकी निगरानी करके अर्ली वार्निंग से लोगों को बता सकते हैं, जिससे वे उन जगहों से दूर चले जाएं। जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। हमारी आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी है और उनको रोजगार देने के लिए विकास की बहुत आवश्यकता है, जिससे विकास में कार्बन का उत्सर्जन होना स्वाभाविक है। दूसरा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए पानी, सौर ऊर्जा और न्यूट्रेंट सॉइल की ज़रूरत होती है, और क्लाइमेट चेंज इन्हीं तीन चीज़ों को अफेक्ट करता है। अनियमित बारिश और लंबे समय तक सूखा और मृदा की उर्वरता कम होने से हमारी सारी फसलों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसका सीधा असर यील्ड पर पड़ेगा और हमारा GDP डिपेंड करता है कृषि पर। आजकल पहाड़ों में तक क्लाइमेट चेंज का असर सीधे देखने को मिल रहा है, तो अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी, ये चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका ये भी मतलब है कि इसका सीधा असर हमारे आजीविका पर पड़ेगा, पर्यटकों पर प्रभाव पड़ेगा, माइग्रेशन बढ़ेगा और फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। वाटर सिक्योरिटी पहले से ही एक इशू है, ये एक क्लाइमेटिक इशू नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी इशू बन जाएगा आने वाले समय में। अब बात आती है इसका निदान कैसे किया जाए। इसके लिए सभी वैश्विक राष्ट्रों को एक साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तनों से लड़ने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक साथ खड़े होना होगा। हाल ही में 2015 में पेरिस में हुए सम्मेलन में हमारा लक्ष्य नेट जीरो 2070 है। इसका मतलब है कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ओजोन से भी कर लेंगे। इसके लिए वनों की कटाई को रोकने, परिवर्तन का समाधान खोजने, कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने और धीमा करने पर जोर दिया जाएगा। अमेरिका चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश है, लेकिन भारत के सामने समस्या यह है कि उसे विकास भी करना है और कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो भी करना है। हमारे सारे विकास के लिए सारे सेक्टर एनर्जी पर चल रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए नेट जीरो का लक्ष्य हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऊर्जा की हमें बहुत आवश्यकता है।
इसके लिए जीवाश्म ईंधन के जलने को कम करने के लिए सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा, यूरेनियम से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन यूरेनियम हमारे भारत में बहुत कम है। और साथ ही सौर वितरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जैविक अपशिष्ट कचरा का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के यूज पे जोर दिया जा रहा है और पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स करा जा रहा है। ये सभी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे। साथ ही साथ हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर नियंत्रण करना जरूरी है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। इन इन्वायरमेंटल इश्यू पर नियंत्रण जरूरी है। खेती में नाइट्रोजन उर्वरक, कीटनाशक, कटाई व अन्य चीज़ों के लिए परिवहन उपकरण के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग से सॉयल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व खो देती है। इसके लिए जैविक खेती एक आसान उपाय है। गड्ढों में तैयार कंपोस्ट खाद का उपयोग शुरू करना चाहिए और जैविक सुरक्षित जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने हेल्थ और एजुकेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एजुकेटेड वुमेन ही पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है और क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयर हो सकती है और एग्रीकल्चर की नई योजनाओं को अपना सकती है और फूड क्राइसिस को कंट्रोल करने में अपना योगदान दे सकती है। साथ ही हमें अपने घरों और ऑफिसों को सौर वास्तु के अनुसार बनाने की योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें नेचुरल एयर अंदर आ सके और वेस्ट वाटर को गार्डनिंग के लिए रीयूज किया जा सके और सौर पैनल का भी उसमें यूज हो। सही विचार, संरचना और योजनाओं के साथ यह करना आसान होगा। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ओशियंस हैं और सॉइल है, ये हमारे नेचुरल कार्बन सिंक हैं। फॉरेस्ट में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा पेड़ पौधों से अवशोषित कर मिट्टी और बायोमास में कार्बन के रूप में संग्रहित किया जाता है। और ओशियन में फाइटोप्लांकटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लिया जाता है। अब आर्टिफिशियल तरीके से भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाने लगा है। समुद्र की गहराइयों में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है और जो हमारे पुराने खदान हैं, जिनमें से अब खनन नहीं होता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया जाता है। इसलिए अब महासागरों की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है कार्बन को स्टोर करने के लिए, तो फॉरेस्ट एकमात्र नेचुरल सिंक बच जाता है कार्बन को स्टोर करने के लिए। इसलिए अब फॉरेस्ट को कंजर्व करना और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना, प्लांटेशन करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। ये व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है, जिससे इस दुनिया को और भी खुशहाल बनाया जा सके।